मछली को मैं फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। सारी फिश को मैं फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो फिर देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स फिश फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें जो ये आलू कट करके रखा हुआ है, ये आलू मैं वॉश करके इसमें दूंगी। पहले सबसे पहले मैं इसमें मसाले को ऐड करूंगी और फ्राई करूंगी। ये प्याज लहसुन और मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और नमक। ये देखिए फ्रेंड्स फिश फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पर सारे मसालों को मैं फ्राई करूँगी, जो मसाले मैंने आपको दिखाई थी, लहसुन और प्याज, मिर्च, नमक, हल्दी और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सभी मसालों को मैंने ऐड करके फ्राई कर दिया है। अभी और मसाले फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें ये आलू, दो आलू को मैंने कट के और पीसेस करके रखा था, जब इसके साथ में फ्राई करूँगी इसे, इन मसालों के साथ ही फ्राई करना है। ये फ्रेंड्स आलू मसालों के साथ फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें पानी दूंगी, पानी ऐड करना है इसमें गरम गरम पानी, देने से आलू जल्दी गल जाएगा। और जो आम को मैंने कट करके रखा हुआ है वो आम मैं अभी नहीं दूंगी, जब आलू गल जाएगा तब दूंगी, वरना आलू नहीं गलेगी। और मैं इसे ढककर पकाऊंगी, कुछ देर के बाद मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। आलू हमारा यहाँ पर गल चुका है, देखिए। अब मैं इसमें ये सारे जो आम मैंने यहाँ पर कट करके और धो कर रखा है, इसे मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़े देर के लिए मैं इसे पकाऊंगी। ये ढक कर मैं इसे थोड़े देर के लिए पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स फिश पोटैटो और रॉ मैंगो की ये रेसिपी तैयार है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अच्छा लगा तो। और ये बंगाली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये रेसिपी, क्योंकि मेरा घर बंगाल में ही है और इसलिए मैं ये रेसिपी बनाया है मैंने।